तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हाजिर हो चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के टीजर के बारे में। इस मूवी के टीजर की और रिलीज डेट निकल कर सामने आ रही है, तो क्या रिलीज डेट है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों को भी जानना है तो बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। तो गाइस वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस पहले मैं आप लोगों को फाइटर मूवी की थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स बता देता हूं। तो गाइस इस मूवी के लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और इसके अलावा अनिल कपूर देखने को मिलेंगे। और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जो कि पहले इस साल ही बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी पठान दे चुके हैं, वही इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। बात करें अगर मूवी के बजट की, तो मूवी का जो बजट है वो है 250 करोड़ रुपए का, बहुत ही बड़ा बजट। मूवी की अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो ये एक बहुत ही यूनिक कंटेंट पर बेस्ड मूवी होने वाली है। और आप लोगों को इस मूवी में फाइटर जेट्स का एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। वैसे तो हम लोगों ने हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज देखी है, लेकिन बॉलीवुड या इंडिया में ऐसी बहुत ही कम मूवीज बनी है। लेकिन जो एक दो बनी भी है उनके भी या तो VFX सही नहीं होते, अगर VFX थोड़े से सही भी होते हैं तो उनकी स्टोरी लोगों को पसंद नहीं आती। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये मूवी एक ऐसी मूवी होने वाली है जिसके आप लोगों को VFX एक नंबर देखने को मिलने वाले हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने अगर पठान मूवी देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि कितना ज़्यादा डिटेल में काम किया गया था उसके VFX पर। तो वही डायरेक्टर हैं जो कि इस मूवी को भी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं 100% श्योर हूँ कि इस मूवी के जो VFX हैं वो बहुत ही कमाल के होने वाले हैं और आप लोगों को एक न्यू एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। बाकी स्टोरी तो देखते हैं स्टोरी कैसी निकलती है। हमें इससे उम्मीद तो बहुत है कि इसकी स्टोरी भी बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिलेगी और लोगों के साथ अच्छी तरह कनेक्ट होगी। अगर तो ये मूवी लोगों के साथ अच्छी तरह कनेक्ट हो गई तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने वाली है। तो सब लोग इस मूवी के टीजर या ट्रेलर का वेट कर रहे हैं। तो ट्रेलर की रिलीज डेट मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा किसी और वीडियो में, वो तो मेरे पास बिल्कुल कंफर्म है और मैं 100% श्योर हूं कि ट्रेलर उसी डेट पर आने वाला है। लेकिन जो टीजर की रिलीज डेट है वो कंफर्म नहीं थी हो रही, लेकिन अब मेरे पास कुछ न्यूज़ें ऑफिशियल तौर पर निकल कर आ रही कि इसका टीजर आप लोगों को कब देखने को मिलेगा। तो गाइस जो डेट निकल कर आ रही है वो है 5 दिसंबर। जी हां गाइस, डेट लॉक कर लो और ये बिल्कुल ही ऑफिशियल तौर पर आप मान सकते हो और 70% आप इसको कन्फर्म न्यूज मान सकते हो। 70% इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल तौर पर तो अभी कन्फर्म नहीं किया गया, लेकिन जो ये न्यूज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये ऑफिशियल तौर पर ही मेरे पास निकल कर आई हैं। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इसका टीजर आप लोगों को 5 दिसंबर को देखने को मिल सकता है। तो बाकी जैसे ही ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तो फिर तो मैं आप लोगों के साथ 100% कन्फर्म न्यूज़ ही शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी तक आप मान सकते हो कि 5 दिसंबर तक इसका टीजर आने वाला है। तो अगर आपको भी इसके टीजर की वेट थी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो इसके टीजर की बहुत ज़्यादा वेट है। बाकी इस मूवी की आप कितनी वेट कर रहे हो वो भी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ऐसी ही और वीडियोस के लिए। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।